और केंद्रीय गृह मंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरह से बालाघाट तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए। पुलिस लाइन से हेलीपैड पर अगुवाई करेंगे, साथ ही साथ गौरव यात्रा के शुभारंभ में भी वो मौजूद रहने वाले हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके साथ हैं, प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग भी मौजूद हैं और पूरे भव्यता के साथ यहां पर गृह मंत्री का स्वागत किया जाना है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए उस वक्त की जब मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे, और अब इंतजार सिर्फ किया जा रहा है उस वक्त का जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे और उसके बाद उनका स्वागत हो और आगे जनसभा को संबोधित करने का जो कार्यक्रम है और यात्रा को हरी झंडी दिखाने का जो कार्यक्रम है वो भी आगे बढ़ सके। लेकिन उससे पहले आप देखिए कितने व्यापक इंतजाम, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए, अगवानी के लिए। एक तरफ छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित किया बीजेपी की तरफ से, चुनावी शंखनाद छत्तीसगढ़ में गूंजा, और अब बालाघाट में जब केंद्रीय गृह मंत्री होंगे किस तरह से उनका स्वागत किया जाना है उसकी तैयारियां भी आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह यहां पर यात्रा का भी आगाज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत के लिए भव्य तैयारियां, हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। से कुछ ही देर बाद किसी भी वक्त ये खबर सामने आ सकती है कि गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी इंतजार किया जा रहा है मिशन एमपी की राह पर केंद्रीय गृहमंत्री, और आप कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से चुनावी शंखनाद कहीं ना कहीं जिसकी अटकरें पहले से ही लगाई जा रही थी कि जैसे जैसे केंद्रीय नेताओं का दौरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा, आप समझ सकते हैं पार्टी अब फुल फॉर्म में आ चुकी है, विधानसभा चुनाव इसी साल और उससे पहले केंद्रीय नेताओं का लगातार दौरा होना मध्य प्रदेश की धरती पर भी बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि चुनावी मोड में अक्सर ही बीजेपी रहती है, कार्यकर्ता अक्सर इसी उत्साह के साथ काम करते हैं पार्टी के लिए, लेकिन फिर भी एक औपचारिक शुरुआत चुनावी दौरों की। आपको ये भी निश्चित ही जानकारी होगी अब से कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी दौरा होगा, यानी कि सिलसिलेवार पूरी लिस्ट और पूरा शेड्यूल अब कहीं ना कहीं साफ दिखता है। इस तरह से बीजेपी ने चुनावी जनसभाओं का आगाज कर दिया है, लगातार स्वागतें भी प्रदेश के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी, और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिससे विधानसभा चुनाव में हर एक कार्यकर्ता पूरे बल के साथ जमीनी स्तर पर पहुंचे, पार्टी के पक्ष में माहौल बना सके, और इसीलिए केंद्रीय नेताओं का आना बहुत जरूरी होता है। जब जब इस तरह से उत्साहवर्धन उनका किया जाता है निश्चित ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। जनसंपर्क अभियान मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भी खास कार्यक्रम का आयोजन, महाजनसंपर्क के जरिए टिफिन बैठकें भी आपने देखी बीजेपी की, और अब केंद्रीय नेताओं के दौरे भी। तो आप देख रहे हैं अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन किस तरह की तैयारियां की गई और क्या कुछ सुगबुगाहटें हैं ये भी हम समझ लेते हैं। हमारे से शैलेंद्र सिंह चौहान का हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ नजारा है वहां पर, क्योंकि मुझे लगता है कार्यक्रम स्थल पर ही आप मौजूद हैं, क्या लोगों का जुटना वहां पर शुरू हो चुका है? हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल देखिए, यहाँ पर काफी भीड़ जुट चुकी है और अभी अभी सूचना मिली कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का जो विमान है वहाँ दुर्ग से निकल चुका है और वो कुछ ही देर में यहाँ बालाघाट पहुंचने वाला है। तो इस सभा स्थल पर पहुंचने के पहले जो रोड शो होगा और रोड शो के बाद अमित शाह यहाँ पर आएंगे, और यहाँ सभा स्थल पर सारी तैयारियां हो चुकी है और यहाँ पर देखेंगे कि पूरा जो सभागृह है वो पूरा खचाखच भरा हुआ है, यहाँ सभा स्थल पर बिल्कुल भी जगह नहीं है और काफी संख्या में लोग हैं यहाँ पर, और ये आदिवासी बैठे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में आदिवासी बाहुल इलाकों में आदिवासी वर्ग यहाँ बड़ी संख्या में देखने को नजर आ रहा है। इसके अलावा अभी तक मंच पर अभी भाजपा की जो सह प्रभारी है वो पंकजा मुंडे नजर आ रही है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है गुरुशंकर बिसेन, अभी जब रोड शो शुरू होगा तो अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, ये सब सभी लोग एक साथ पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री जो कि रानी दुर्गावती यात्रा है इसकी शुरुआत करने शुभारंभ करेंगे, तो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी उनके
साथ ही होंगे। तो अभी सभा स्थल पर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और सूचना यही मिली कि कुछ ही देर में अमित शाह यहाँ पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, केंद्रीय नेतृत्व की हम बात करें तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हो गया है। इससे पहले देखा था गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, वहां भी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में भी। शैलेंद्र, देखिए महाकोशल, ये जो बालाघाट है महाकोशल में आता है और महाकोशल राजनीति के हिसाब से काफी अहम है और यहाँ पर महाकोशल में 38 सीटें आती है और पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लगा था। यहाँ पर 38 सीटों में से भाजपा केवल 13 सीट ही जीत पाई थी और यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ी लीड हासिल की थी। जो वर्ष 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था यहाँ पर कांग्रेस को 24 सीट हासिल हुई थी। उस हिसाब से महाकोशल में भाजपा ने अभी से रणनीति के लिए काम शुरू कर दिया है। भाजपा के सारे दिग्गज नेता महाकोशल पर फोकस किए हुए हैं और मध्य प्रदेश के जो मिशन 2023 की जो चुनाव का शंखनाद है वो भी भाजपा इसी बेल्ट से इसलिए कर रही है कि इस बेल्ट में सबसे बड़ा आदिवासी बाहुल इलाका आता है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या जो बहुत बड़ा फैक्टर है। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ आदिवासी वोटर्स हैं जो कि सत्ता के लिए सबसे बड़ी अहम सीढ़ी माने जाते हैं। तो इस महाकोशल से भाजपा ने सभी बड़े नेताओं के आगे तमाम सियासी समीकरण जो भी बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए भी और ये निश्चित तौर पर समझ आ गया है, ये दिखता भी है। आप लगातार नजरें बनाए रखिएगा शैलेंद्र, हम सीधे पहुंचेंगे आप तक जैसे ही गृहमंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे, लेकिन तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सीधी तस्वीरें न्यूज